मालदीव के तीन मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके अपने साथ साथ अपने देश के लिए भी संकट खड़ा कर दिया है, बल्कि हर तरफ मालदीव का अब विरोध भी होना शुरू हो गया है, जिसके बाद मालदीव सरकार को आगे आकर न सिर्फ सफाई देनी पड़ गई बल्कि उन मंत्रियों को भी निलंबित करना पड़ गया जिन्होंने भारत के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। लेकिन मालदीव के मंत्रियों की गलती का खामियाजा पूरे मालदीव को ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि भारत में जिस तरह से मालदीव के खिलाफ विरोध होना शुरू हुआ है उसकी वजह से मालदीव की इकोनॉमी को काफी महंगा भी पड़ने वाला है। जानकारी के मुताबिक भारत की एक बड़ी ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट कंपनी ने मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग को सस्पेंड ही कर दिया। ऐसे में अगर भारतीयों ने मालदीव जाना छोड़ दिया तो मालदीव की इकोनॉमी को महंगा पड़ना तय है, क्योंकि मालदीव में विदेशी पर्यटक भारत से ही जाते हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी इज माई ट्रिप के को फाउंडर और CEO प्रशांत पिट्टी ने कहा, हमारे देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए इज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी उड़ानों की बुकिंग निलंबित कर दी है। माना जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी मेक माई ट्रिप समेत अन्य एजेंसियां भी इस तरह की घोषणा कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत पिट्टी है और मैं इज माई ट्रिप का को फाउंडर हूँ। इज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है जिसने पिछले साल 8000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 300,000 लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप के जैसी उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं। और तो और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला लिखते हैं कि देश में अकल्पनीय क्षमता वाले कई शानदार पर्यटन स्थल हैं जिनका अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया है। क्या आप में से कोई भी मेरे द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों से इस भारतीय पर्यटक स्वर्ग का अनुमान लगा सकते हैं? आपको बता दिए, मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक कैलेंडर साल 2023 के दौरान कुल 17.58 लाख विदेशी पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया था, उनमें से सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक थे। इसके बाद रूसी पर्यटक का स्थान है। पिछले साल 13 दिसंबर तक कुल 2,09,190 से ज्यादा भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया था। ऐसे में अगर भारतीय पर्यटक वहां जाना बंद कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा। वहीं बॉयकॉट मालदीव के बाद अब भारतीयों ने लक्षद्वीप जाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है, जिससे मालदीव को काफी नुकसान होने वाला है, जबकि लक्षद्वीप को इसका पूरा फायदा भी होगा। और आपको बता दें, लक्षद्वीप को टूरिस्ट प्लेस बनाने का सरकार अब एक बड़ा फैसला भी जल्द लेने वाली है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।